नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रघुनंदन। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहाँ हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी के शानदार प्रदर्शन पर शिवसेना ने शरद पवार की जमकर तारीफ की। हरियाणा में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए गोपाल कांडा ने समर्थन का ऐलान किया, जिस पर विरोधियों ने बीजेपी को घेरा। और जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने सेब लेने गए दो और ट्रक ड्राइवरों की गोली मारकर हत्या कर दी। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमा पार से भारी गोलाबारी की है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी गोलीबारी की है, जिसमें रिहायशी इलाकों में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए गोलों से कई मकान बुरी तरह से टूट फूट गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर में मौजूदा जो घर हैं वो लगातार क्षतिग्रस्त हुए हैं इस गोलाबारी के जरिए। रिहायशी इलाकों को खास तौर पर निशाना बनाया गया है और लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें हैं उनका सिलसिला जारी है। आपको याद होगा कल ही इस तरह की खबर सामने आई कि दो सेब ट्रक ड्राइवर्स को फिर से निशाना बनाया गया, जिसमें दो की मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल है। और आज एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीमा पार से भारी गोलाबारी की है। जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ जाने का इशारा कर दिया है। उन्होंने अब से कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उनके कुछ साथियों ने उन्हें बीजेपी के साथ जाने के लिए कहा है। प्रदेश के अंदर युवा को उसके अधिकार मिले, जो क्राइम की सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जाए, जो हमारे एजेंडाज थे, जो भी संगठन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उन पे साथ चलने को तैयार होगा, जननायक जनता पार्टी उसके साथ मिलकर सहयोगी के तौर पर प्रदेश में सरकार बनाने का काम talk to the people concerned and let's see, hopefully in few hours or few days you will have a positive message. But हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा ने बीजेपी को समर्थन दिया, जिस पर विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया। गोपाल कांडा ने बतौर निर्दलीय विधायक 2009 में हुड्डा सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। देर रात गोपाल कांडा विमान से दिल्ली पहुंचे और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने बिना शर्त बीजेपी को समर्थन देने की बात कही। मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, वैसे ही प्रदेश में भी हरियाणा सरकार अच्छे से चले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबने बिना शर्त समर्थन दे दिया। हरियाणा में सरकार बनाने की कवायद में लगी कांग्रेस को गोपाल कांडा के इस फैसले से बड़ा झटका लगा और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोल दिया। गोपाल कांडा भाजपा के लिए दूध के धुले हो गए और सत्ता का रास्ता बन गए, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन को नहीं दर्शाता? आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लिया। मनीष सिसोदिया ने एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें बीजेपी ने गोपाल कांडा के खिलाफ एक रैली निकाली थी। गोपाल कांडा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। आज वही भारतीय जनता पार्टी गोपाल कांडा को हरी गोपाल बता रही है। गोपाल कांडा के बहाने हो रहे हमले का जवाब देने के लिए बीजेपी भी सामने आई और गोपाल कांडा का बचाव किया। जनता के चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर इस प्रकार का सवाल उठाना आज के दिन मुझे नहीं लगता कहीं कोई इस बात की कोई दुख है तो। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण आग ने रिहायशी इलाके में भीषण तबाही मचाई। वहां तेज हवाओं की वजह से जंगल में लगी आग बेकाबू हो गई और तेजी के साथ रिहायशी इलाकों की तरफ फैलने लगी। तेज हवाओं की वजह से फैली आग ने कुछ घंटों में ही 10,000 एकड़ से ज्यादा बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण लपटों में कई इलाके, कई इमारतें जलकर राख हो गई। सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां और पेड़ भी जल गए। Fire made a pretty aggressive run last night, burning over 10,000 acres in less than 12 hours. आग के रिहायशी इलाके तक पहुंचने से वहां हड़कंप मच गया। कई ऐसे परिवार थे जिन्होंने चेतावनी के बावजूद इलाका खाली नहीं किया था, लेकिन आग के बेहद तेजी से फैलने की वजह से ये लोग भी आग में गिर गए। बुरी तरह डरे हुए लोग किसी तरह जान बचाकर वहां से सुरक्षित ठिकाने की तरफ भागे। कैलिफोर्निया के जंगल बीते काफी वक्त से जल रहे हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लेकिन पिछली रात 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा रफ्तार से हवाएं चलने की वजह से आग और भड़क गई। बताया गया कि आग ने करीब 65 वर्ग किलोमीटर के रिहायशी इलाके को अपनी चपेट में ले लिया,
जिसके बाद उस पर काबू पाने की कोशिश तेज कर दी गई। 2000 से ज्यादा जवानों को आग से निपटने के लिए तैनात किया गया, जबकि आसमान से भी आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। कई विमानों की मदद से आग बुझाने का काम किया गया, केमिकल गिराया गया, जबकि हेलीकॉप्टर से लगातार पानी की बौछार की गई। आग से निपटने के लिए बड़े विमानों की भी मदद ली गई, लेकिन इसके बावजूद आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। जंगल का एक बड़ा इलाका लपटों और धुएं से घिरा नजर आया। खतरे को बढ़ता देख लोगों को फौरन सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने की चेतावनी दी गई। Really want people to heed our warnings and evacuate those areas. We don't want to have to try to evacuate people at the last minute when a fire is approaching. We want to have an area clear. जंगल में आग का सबसे खराब असर बिजली की सप्लाई पर पड़ा। आग की वजह से एक बड़े इलाके में बिजली सप्लाई ठप कर दी गई, जिसकी वजह से लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। देश भर की आपराधिक घटनाओं का रिकॉर्ड जुटाने वाली संस्था एनसीआरबी ने 2017 में हुए अपराध का डेटा जारी किया। एनसीआरबी ने पहली बार इसमें फेक न्यूज यानी अफवाह फैलाने से जुड़े मामलों को भी शामिल किया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में पूरे देश में अफवाह फैलाने के 257 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 73% सिर्फ 3 राज्यों में दर्ज किए गए। सिर्फ मध्य प्रदेश में फेक न्यूज के 138 मामले दर्ज किए गए थे। फेक न्यूज में एमपी की हालत पूरे देश में सबसे खराब रही। अफवाहें फैलाने के मामलों में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा, जहां 2017 में 32 केस दर्ज किए गए थे। फेक न्यूज के मामले में केरल तीसरे, तमिलनाडु चौथे और तेलंगाना पांचवें नंबर पर रहा। एनसीआरबी के मुताबिक बच्चा चोरी और गो तस्करी जैसी अफवाहों के बाद भीड़ की हिंसा से प्रभावित हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों में 2017 में फेक न्यूज से जुड़ा एक भी केस दर्ज नहीं हुआ था। मुंबई के अंधेरी पंजाब एंड नेशनल कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों ने प्रदर्शन किया। ये लोग बैंक से पैसा निकालने के लिए नहीं निकलने के बावजूद वहां पहुंचे, जिसके बाद ग्राहकों ने बैंक के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। बैंक के खाताधारकों ने आरोप लगाया कि उनके बैंक में पैसे फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चों की फीस भी भरी नहीं जा पा रही है, दिक्कतें आ रही है। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने RBI से बैंक में फंसा पैसा वापस दिलाने की मांग की। आज हम भूखा मर रहे, मोदी जी बोले थे कि हम देश का चौकीदार, आज वो कहां गए? आज हम भूखा पैसा दिवाली छोड़ के ये कर रहे थे। मुश्किल से पैसा जोड़ा, थोड़ा ही पैसा है, पर मेरे लिए बहुत जस्ती है। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। 5 लाख दो महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और मस्जिद में पूजा की इजाजत मांगी। इस पर अदालत ने केंद्र से एक हफ्ते में जवाब मांगा। वाराणसी में कुछ बच्चों ने दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने का फैसला किया। बच्चों ने पटाखों से प्रदूषण बढ़ने की बात कही और दूसरे लोगों से भी पटाखे नहीं फोड़ने की अपील की। हम लोगों को संकल्प दिलवाया गया कि हम लोग पटाखों का बहिष्कार करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। हम लोग दीपावली के दिन सिर्फ दीपक ही जलाएंगे और पटाखे न जलाएं, क्योंकि इससे बहुत सी हानियां होती हैं। आतंकी अलर्ट के बाद दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। भीड़ के बीच निगरानी के लिए CCTV कैमरों के अलावा भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात भी कर दिए गए, जिन्होंने बाजार में खरीदारी के लिए पहुंचने वाले हर आदमी की तलाशी ली। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सरोजिनी नगर मार्केट में निगरानी के लिए पुलिस ने कंट्रोल रूम भी बनाया, जहां बैठकर पुलिस के कर्मचारी CCTV कैमरों की मदद से पूरे बाजार की हर हरकत पर नजर रखने लगे। इन कंट्रोल रूम में निगरानी के अलावा लोगों का सामान खोने या किसी छोटी घटना की शिकायत दर्ज करवाने के लिए भी इंतजाम किए गए। मैं इस वक्त सरोजनी नगर मार्केट में हूँ। आप सरोजनी नगर मार्केट में देख सकते हैं कि जो CCTV कैमरा आपको दिखाई दे रहा है, ये उस कंट्रोल रूम का है, जो जहाँ पर लगभग 30 से ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं। आतंकी अलर्ट के बीच दिवाली के मौके पर दिल्ली के बाजारों में होने वाली भारी भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने अलग अलग एंट्री गेट बनाए, ताकि हर आदमी की कड़ी जाँच की जा सके। बिहार में हुए उपचुनाव में 2 सीटों पर मिली जीत से गदगद RJD ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दिया। उपचुनाव में RJD ने सिमरी बख्तियारपुर और बेलहर सीट JDU से छीन ली है। BJP बड़ी पार्टी है, तो बड़ी पार्टी जब हाथी मरता है तो 2 आदमी से दफनाएगा, सब 200-400 आदमी जुटेगा तब खद्दा कोड़ाएगा, उसको दफनाएगा।
बीजेपी बड़ी पार्टी है, इनको हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमको सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। नहीं तो ऐसे ही कहीं कट्टरपंथी हो जाएंगे, कहीं उधर गड़बड़ा जाएगा, आपस में फूट हो जाएगा।